चलो, तो हमने स्टार्ट किया था कि कैसे बाबर इंडिया आया, कैसे आया कुछ पता? नहीं, उसे कुछ खबर तो दी होगी, किसी ने तो बताया होगा। वहां तब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती थी, तब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती थी, तो हाउ ही कैन। ठीक है, तो एज यू नो कि बाबर कहाँ का राजा था, ही वॉज अ किंग ऑफ या सुल्तान ऑफ फरगना। उसके रिश्तेदार ने उसे हरा दिया था, वो काबुल भाग गया। ठीक है, अब काबुल भागने के बाद इंडिया में दिल्ली से दौलत खान लोधी ने उसे क्या, दौलत खान ने क्या किया, यहाँ पर इनवाइट कर लिया कि भाई यहाँ हमला कर दो, दिल्ली पे इब्राहिम लोधी बैठा है। ठीक है, इब्राहिम लोधी बैठा है, लेकिन उस समय जो दिल्ली थी, दिल्ली की कैपिटल आगरा शिफ्ट हो गई थी। हु शिफ्टेड द कैपिटल आगरा? चलो ये तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि उस समय फिर कैपिटल हमारी दिल्ली नहीं था। लोदी के टाइम पे, पहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आया, और सिकंदर लोदी ने कैपिटल जो है क्या शिफ्ट कर दी थी, आगरा। ठीक है, सिकंदर लोदी के टाइम से ही हमारे ये जो दिल्ली सल्तनत था, इसकी कैपिटल क्या हो गई थी, आगरा। और आगरा का राजा उस समय कौन था, मतलब सुल्तान, ये इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का बेटा। अब दौलत खान लोदी जो है, इसने बुला लिया बाबर को कहां, दिल्ली। और बाबर का किसको अटैक करने के लिए बुलाया था उसने, इब्राहिम लोदी पर। इब्राहिम लोदी पर, ठीक है, इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए। अब इसी रिजल्ट में कौन सा बैटल होता है हमारे यहाँ पे, बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया, मैंने डेट, पूरी डेट बताई थी मैंने, कितना था, 21st, मैंने पूरी डेट बताई थी तुम्हें कि 1500 कितने में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध, 21st अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526, यानी कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, जिसमें कौन वन कर जाता है, कौन जीत जाता है, बाबर वन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, बाबर के जीतने के बाद बाबर यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर देगा, जिसका नाम रहेगा मुगल एम्पायर। बट जानने वाली खास बात यह है कि वो अपने आप को मुगल्स नहीं कहते थे। ठीक है, ये मुगल हमारा नाम दिया गया उनको, बट वो अपने आप को मुगल नहीं कहते थे। बाबर की सक्सेस का जो वो था, जीतने का जो, एक तरह से कह सकते हैं कि बाबर इस युद्ध में क्यों जीत गया, क्योंकि बेटा उसकी आर्मी स्ट्रांग थी, उसकी घुड़सवारी बहुत स्ट्रांग थी, आर्टिलरी उसकी स्ट्रांग थी, यानी कि वेपन्स वगैरह उसके फार बेटर थे। ठीक है, इसलिए इब्राहिम लोदी की आर्मी जो है वो हार गई, इब्राहिम लोदी को ऑन द स्पॉट मार दिया गया था, और इसके बाद मुगल एम्पायर हमारे यहाँ पे स्थापित हो गया। उसके बाद जो बाबर है, बाबर ने और भी कुछ उनको हराया है, रूलर्स को, जैसे कि बाबर ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर दिया, और जो हुमायूं है, हुमायूं को उसने कहाँ भेजा, हुमायूं को उसने भेज दिया था बेटा आगरा, कि तू आगरा संभाल, है ना, और हुमायूं को भेज दिया था आगरा। और बाबर ने ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बैटल ऑफ पानीपत पर ही बात खत्म हो गई, बाबर का एक और बैटल हुआ था, दैट इज बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में उसका युद्ध हुआ था एक अफगान से, दैट इज राणा सांगा। राणा सांगा से उसका बैटल ऑफ खानवा में युद्ध होता है, और बैटल ऑफ खानवा की डेट भी याद रखना बेटा, जब आता है तो पूछ ही लेते हैं, ये आगरा के पास है। ये हुआ था बैटल ऑफ खानवा 1527 में, 1527 में हुआ था बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा वर्सेस बाबर।
ठीक है। इस वाले युद्ध में भी बाबर वॉन और इसने गाजी का टाइटल लिया था, गाजी का टाइटल ले लिया था। देन बाबर का एक और युद्ध होता है, बैटल ऑफ घोरा। बैटल ऑफ गोगरा या इसे बैटल ऑफ चंदेरी भी कहते हैं, चंदेरी। और ये किसके बीच में हुआ था? मैदिनी राय वर्सेस बाबर। अगेन इन दिस ऑल्सो बाबर वन। याद रख लो, तुम्हारे एग्जाम की चीज है याद रखने वाली और आएंगी, और जब आएंगी तो तुम लोगों को ही लिखना भी पड़ेगा। चलो अब बाबर के एस्टिमेट देख लो क्या क्या उसने किया। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 हो गया। बैटल ऑफ खानवा हुआ 1527 में। ये राणा सांगा एक अफगान था, ये हिंदू नहीं था। ठीक है, ये बहुत लोग वो कर जाते हैं कि वो हिंदू हिंदू नहीं था, ही वाज अफगान रूलर। ठीक है, उसके साथ उसका हुआ बैटल राणा सांगा में, राणा सांगा वर्सेस बाबर। और इसने इसमें टाइटल किसका लिया था? हाँ, नहीं शायद है अभी तो। हाँ क्या हो सकता है भाई का? हाँ तो कर देना फिर। तो बैटल ऑफ गोगरा या चंदेरी हुआ, इसमें मैदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और इसी बैटल के बाद, अरे ये लास्ट सुन लो, इसी बैटल के बाद हमारे यहाँ पे इसने अपने आप को हिंदुस्तान का एम्परर प्रोक्लेम्ड कर दिया था कि आई एम द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान ही कहते थे, हिंदुस्तान नाम जो दिया है इन्होंने ही दिया है। ठीक है, तो हिंदुस्तान का इन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो कि आगरा में है हुमायूं, वो आता है कहां पर? दिल्ली, उसका सुल्तान बनने के लिए। बट गागर, हाँ, लेकिन उसको अपने भाई कामरान से झगड़ा करना पड़ता है। मतलब उसका भाई होता है ना कामरान, तो कामरान से उसे झगड़ा करना पड़ता है, मतलब हुमायूं को, क्योंकि नहीं वो राजा बनने के लिए, हाँ, कि सुल्तान बनने के लिए उनके आपस में सक्सेशन, मतलब झगड़ा होता है, युद्ध होता है, मतलब सिविल वॉर जिसे कहते हैं, गृह युद्ध ये होता है। और जो हुमायूं है ये 1530 से 1540 तक ही रहेगा। क्यों बेटा? 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम में शेरशाह सूरी इसे भगा देता है, हरा कर हुमायूं को। हुमायूं शेरशाह सूरी से हार के भाग जाएगा कुछ समय के लिए अफगान सफाविद कोर्ट में, ईरान की तरफ चला जाएगा, और वहां से ये फिर आएगा शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद 1545 के आसपास में, फिर से ये वो कर लेगा कैप्चर थ्रोन। लेकिन ये जब आएगा ना 1555 में, उसके अगले साल ही मर जाएगा। यही तो अलग ही थिंग थी। देख, पहले तो इसे रूल के लिए लड़ना पड़ा, ठीक है, रूल के लिए लड़ना पड़ा 1540 में, शेरशाह सूरी ने हरा के भगा दिया। फिर शेरशाह सूरी से ये अपना साम्राज्य दोबारा जीतता है, तो उसके बाद अगले साल ही मर जाता है। और सुनो, कमाल की बात, तुम ऐसे नहीं कि हम किसी की मौत पर ऐसे हंस रहे हैं, बट दिस इज द फनी थिंग कि हाउ ही डाइड। वहां पे दिल्ली में लाइब्रेरी है, उसका नाम अभी भी मैं बताऊंगी क्या नाम है उस लाइब्रेरी का, कुछ ऐसे ही नाम है, बताऊंगी। उसकी सीढ़ियों पर से गिर के मारा था वो, सीरियसली, मतलब एक राजा राजा की तरह भी नहीं मरा, सीढ़ियों पर से गिर के मरा था। तो दिसे, हाँ, तो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं अबाउट हुमायूं, वी आर नॉट मेकिंग फन बट दिस इज फनी। तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जो है उसकी जिंदगी लुढ़कने में ही चली गई, और अंत में वो सीढ़ियों से लुढ़क कर ही मर गया। मतलब दिस इज द फनी थिंग। चलो कंटिन्यू रखेंगे।